खुदावन्द यीशु मसीह के नाम की तारीफ़ हो, जिसके सबब से हम मिशन एशिया में खुदा के पैगामात को मुख्तलिफ कौमों में और मुख्तलिफ किस्म की नस्लों में लेकर जा रहे हैं, और हम मिशन एशिया के तमाम लोगों को जो इस चैनल को चलाने में और खुदा के पैगाम को तमाम दुनिया में फैलाने में इंतज़ाम कर रहे हैं, मेरी तरफ़ से लैम फेलोशिप इंटरनेशनल की तरफ से आप सबको मुबारकबाद देते हैं। खुदामंद आप सबको बरकत दे। और आज मैं सबसे पहले आपको खुदाम यीशु मसीह नासरी के नाम में उसकी विलादत की मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि आज हम थोड़ी देर के लिए देखते हैं कि क्रिसमस जो है उसका लफ्जी मतलब जो है एक्स मैस भी कहते हैं, लेकिन बेसिकली वो एक्स का मतलब है क्राइस्ट मैस, क्राइस्ट की मैस, यानी ऐसी इबादत जिसमें यीशु मसीह का जिक्र किया जाता है। तो आज मैं आपको सिर्फ क्रिसमस डे की मुबारक नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं खुदावन्द यीशु मसीह की पैदाइश की मुबारक दे रहा हूँ, जो ना सिर्फ एक ज़िंदगी में बल्कि करोड़ों ज़िंदगी में आज तक रूल कुद्स के वसीला से नई पैदाइश का तजर्बा दे चुके हैं, और उसकी वजह से हम हर एक मसीह जो बिब्लिकल क्रिश्चियन है, जो निजात याफ्ता क्रिश्चियन है, वो खुश होता है कि वो सिर्फ एक त्यौहार नहीं मना रहा, फेस्टिवल नहीं मना रहा, बल्कि वो एक शख्स की याद कर रहा है जो खुदा भी था, कामल खुदा और कामल इंसान बनकर हमारे दरमियान आया। और उसकी आमद जब हुई तो उसको हम उसकी पैदाइश का दिन भी कह देते हैं, लेकिन पैदाइश जो है वो दुनियावी लोगों के लिए, आम लोगों की टर्मिनोलॉजी के लिहाज से इस्तेमाल किया गया है, ताकि लोग समझ सकें कि खुदाम यीशु मसीह इंसान बनकर मकदसा मरियम के वसीला से इस दुनिया में तशरीफ लाए, और जब जिस दिन वो मकदसा मरियम के बतन से पैदा हुए या जन्म लिया, उसको हम एक ऐसे दिन के तौर पर मनाते हैं जो खुदाम यीशु मसीह की विलादत का दिन कहा जाता है, उसकी पैदाइश का दिन कहा जाता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस इसका साथ नहीं देती इस ख्याल का कि वो एक महज इंसान थे, सिर्फ वो हमें बताने के लिए कि जब वो इस दुनिया में आए हैं तो वो मुकद्दसा मरियम के वतन से पैदा हुए एक बच्चे की तरह इंसान बनकर वो बाकायदा हमारी तरह इस दुनिया में आए, लेकिन उनकी पैदाइश में बेहद ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल यूनिक और बिल्कुल दूसरों से डिफरेंट और अजीब और लासानी हैं, और आप अगर उस पर गौर करेंगे तो आप खुश हो जाएंगे कि यीशु की पैदाइश का कोई आज तक मुकाबला नहीं कर सका। बाइबल मुकद्दस में हमें चार किस्म की पैदाइश नज़र आती हैं। पहली पैदाइश खुदा की यीशु ने क्रिएशन की थी, आदम को मट्टी से बनाया था, और वो पाक पैदाइश थी, उसमें कोई गुनाह नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि वो जब तख्लीक किया गया, बनाया गया, कामल इंसान बनाया गया, लेकिन वो गुनाह में गिर गया और वो कामिल ना रहा, और उसके गुनाह के सबब से तमाम बनी नौ इंसान गुनाह के मतहत हो गए, शैतान की बादशाहत के अंदर दाखिल हो गए खुदा की बादशाह से निकल कर। याद रहे इसी तरह से हमारी माँ मरियम, हमारी माँ जो हवा है, उसको भी इसी तरह से आदम की पसवी से लेकर कंप्लीट एक शख्सियत बनाया गया, एक इंसान बनाया गया, यानी एक औरत बनाया गया, और उसकी पैदाइश भी पाक थी। लेकिन आप हैरान होंगे कि वो भी बिल्कुल कामिल बनाई गई, लेकिन गुनाह के सबब से वो भी गिर गई, और इस तरह से आदम और हवा की नस्ल की तमाम जो आने वाली नस्लें थीं वो गुनाह के ताबे होकर शैतान के ताबे हो गई। तीसरी पैदाइश जो खुदा ने नेचुरल तरीका इस्तेमाल किया, अगर वो पाकिजगी में रहते तो आदम और हवा के मिलाप से पैदा होने वाले बच्चे पाक होते, क्योंकि वो खुद पाक थे और वो खुदा की हजूरी में रहने वाले थे, और वो पैदाइश पाक होती और वो गुनाह में पैदा ना होते, लेकिन क्योंकि आदम और हवा की वजह से तमाम इंसान गुनाह के ताबे होकर, जितने लोग आदम की नस्ल से पैदा हुए आज तक, वो सब के सब गुनाहगार पैदा होते हैं, क्योंकि जब वो इस दुनिया में आते हैं तो उससे पहले वो किसी इंसान के अंदर एक स्पर्म की शक्ल में होते हैं, अपने बाप में, और चलते चलते अगर हम देखते जाएँ तो जैसे मेरा दादा जो था, मेरा बाप उसमें था एक स्पर्म की शक्ल में, और मेरा दादा जो है वो मेरे परदादा के, और करते करते हम सब आदम के अंदर मौजूद थे, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए।
अब इस बनी नौ इंसान को जो गुनाह में गिर सका आज़ाद कराने के लिए खुदा ने एक ख़ास प्रोग्राम बनाया। पहले उसने तैयारी की और फिर तैयारी करके हम देखते हैं कि खुदा जब वक्त पूरा हो गया तो उसने अपने बेटे को यानी खुदाए सलूस में से जो तसरीस फिल तहीद है उसके एक कनून याद रखें उसको बेटा कहा गया है, उसका नाम यीशु रखा गया। और वो इस दुनिया में जब आया तो उसका वो वाला तरीका नहीं था जो दूसरे इंसान पैदा हुए। तीन पैदाइश गुनाह में गुनाह के वसीला से या गुनाह में गिर कर नापाक हो गई। और जब वो पैदा होते हैं जितने भी आदम के नस्ल से थे वो तमाम उनके अंदर गुनाह करने की ताकत होती है और वो गुनाह करते हैं। लेकिन खुदा ने अपने बेटे को अपने कलमे को जिसको मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं इस दुनिया में पैदाइश देने के लिए एक इंसान बनाने के लिए एक पैदाइश की सूरत में भेजा, लेकिन उसको हम तजस्सम कहते हैं। तजस्सम का मतलब है अलाही शख्सियत का, खुदा का बेटा जो है वो जिस्म इख्तियार करता है और इस जिस्म में वो जाहिर हुआ कलाम में लिखा। और वो जो जिस दिन वो मरियम से पैदा हुआ असल में वो ऑलरेडी उसका तजस्सम से 9 माह पहले शुरू हो गया था, क्योंकि खुदा के कलाम के मुताबिक हम ये पढ़ते हैं कि मुकद्दसा मरियम को ये पैगाम मिल गया था कि रूल कुछ तुझ पर नाजल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, इस सबब से वो मालूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। आज के मेरे पैगाम में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से यीशु मसीह को हम देखते हैं कि उसने रूह से पैदा हुआ, वैसे ही अगर हम खुदा के कलाम में देखें तो यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 3 बाब खुदा यीशु मसीह ने निकोदीमस को जो एक मजहबी आदमी था उसको बताया कि जब तक आप रूह से पैदा नहीं होते आप रूहानी नहीं बनते, आप रूहानी शख्सियत नहीं बनते, आपकी दोबारा खुदा से मुलाकात नहीं हो सकती। खुदा यीशु मसीह भी रूह से पैदा हुए और हमें भी इसी तरह खुदा के पाक रूह के वसीला से यीशु मसीह के जरिए हमने नई पैदाइश हासिल करनी होती है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं खुदा यीशु मसीह के पास जब वो निकोदीमस आता है तो खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर हम देखें यूहन्ना रसूल की जी उसका 3 बाब तो वहाँ लिखा है खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बातचीत में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा वो जिस्म है और जो रूह से पैदा वो रूह है। तअज्जुब ना कर कि मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। इसलिए याद रखें कि क्रिसमस का पैगाम जो है वो नई पैदाइश का पैगाम है। और जब तक आप यीशु मसीह वाले तजर्बा से नहीं करते यानी रूह से पैदा नहीं होते और एक नई जिंदगी रूहानी जिंदगी शुरू नहीं करते, यीशु मसीह जिस्म भी रखते थे, इस जिस्म में बाकायदा तौर पर उनको एक बदन दिया गया माँ के पेट ही से, और उसका तजस्सम जो था वो जब पाक रूह उस पर नाजल हुआ मुकद्दसा मरियम पर तो वो शुरू हो गया और उसको एक बदन दिया गया, कलाम का मेरे लिए एक बदन तैयार किया गया। और मुकद्दसा मरियम के वसीला से जब वो इस दुनिया में बाकायदा तौर पर उन्होंने जन्म लिया 9 माह के बाद तो हम कहते हैं उसकी पैदाइश शुरू उस दिन को लोग मनाते हैं। हालांकि तजस्सम जो था वो 9 माह पहले शुरू हो गया था क्योंकि उसने जिस्म इख्तियार कर लिया था, लेकिन उस जिस्म का जहार जो है इस ज़ाहिर दुनिया में जिस दिन खुदावन यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम के इस दुनिया में आए पैदा हुए हम कहते हैं तो उस दिन को हम मनाते हैं। तो ये जो क्रिसमस है इसका असली जो बेसिक मतलब है बाइबल का वो यही है कि रूह से पैदा होना और खुदा यीशु मसीह का इस दुनिया में आना। हम देखते हैं कि ये पाक पैदाइश है, जो जिस्मानी पैदाइश है ना वो अब पाक नहीं रही। पहली 2 पैदाइश को हमने देखा वो क्रिएशन थी, वो पैदाइश नहीं थी, लेकिन हमने देखा कि तीसरी जो क्रिएशन थी, तीसरी जो पैदाइश हुई वो गुनाह में पैदा होता है इंसान। दाऊद भी कहता है कि मैं गुनाह में पैदा हुआ, दाऊद नबी हमेशा ये फरमाते हैं मैं गुनाह में पैदा हुआ, मेरी माँ ने मुझे गुनाह में पैदा किया, मैं गुनाह ही में पैदा हुआ और उसी में बड़ा हूँ। और याद रखे कि गुनाहगार को तौबा करनी पड़ती है और जब वो तौबा करता है तो उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। खुदामद उसको अपने बेटे यीशु के लहू से जिसने हमारा कफारा दिया, क्योंकि यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का एक मकसद भी यही था, उसके बेशुमार मकासद थे लेकिन उनमें से एक मकसद यह था कि वो हमारा कफारा बने, अपने लहू को बहाकर हमें मुकम्मल तौर पर पाक कर दें। क्या आप इस बात पर ईमान रखते हैं? अगर आप ईमान नहीं रखते तो आपका क्रिसमस नहीं है। क्रिसमस लोगों नई पैदाइश वालों को होता है जिनको यीशु की तरह रूह कुदस का तजर्बा होता है, यानी पाक रूह आता है और उनकी मुर्दा रूह को जिंदा करता है, रूहानी आलम उनको एक नई पैदाइश देता है, दोबारा उनको खुदा के साथ उनके तलकात बहाल हो जाते हैं। और इसलिए
जो हम जिस्म जिस तरह बर्थडे रखते हैं उस तरह हमें रूहानी तौर पर भी बर्थडे मनाना अपना भी ज़रूरी है। लेकिन यस्सु की इस आमद का, यस्सु के इस तजस्सम का, यस्सु की इस पैदाइश को जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, याद रहे आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को होता है जो नई पैदाइश पाते हैं, क्योंकि यस्सु के आने का मकसद भी यही था। खुदा उनका शुक्र करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि जब आप नई पैदाइश पाते हैं तो आपको एक और नाम दिया जाता है, उसका नाम है निजात। और इसके लिए हम मत्ती रसूल की इंजील उसका पहला बाब उसकी 21 आयत में पढ़ते हैं, खुदावंद के फरिश्ता ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर यह पैगाम दिया, और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, और वह यह है कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे कहा, उसके बेटा होगा और तो उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि मैं वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। खुदा के कलाम की उसी से हम सबको बरकत मिले। अभी हमने सीखा कि जो रूह से पैदा वो रूह है, फिर हमने ये भी सीखा कि यस्सु मसीह आया इसलिए कि गुनाहगारों को निजात दे। असल में गुनाहगारों को निजात देना ही यस्सु का मकसद था, और क्रिसमस का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि आप निजात पाएँ, आप नई पैदाइश पाएँ, नई ज़िंदगी पाएँ, और जब आप नई ज़िंदगी पाते हैं तो फिर आप खुदावंद का सही तजर्बा करते हैं, फिर आप क्रिसमस को सही तरह से रूहानी तौर पर मनाते हैं। बाकी जो कुछ किया जाता है मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं, आई डोंट वॉन्ट टू बी अगेंस्ट दैट, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट। क्या आप डेकोरेशन करते हैं, आप अच्छे खाने खाते हैं, आप कपड़े पहनते हैं, आप सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन मैं उसको दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ हमेशा। एक है शैतानी तरीके से नाम क्रिसमस का लेना, नाम मसीह का लेना, नाम खुदा का लेना, और तमाम किस्म के बदकारी के काम जो खुदा के कलाम के खिलाफ है, गुनाह करना, वो क्रिसमस की बेहरमती है, वो क्रिसमस नहीं है, वो क्रिसमस की खुशी नहीं है, बल्कि आप शैतान और दुनियादार और वो तमाम इंसान जो सच्चाई के दुश्मन हैं उनके साथ मिलकर मसीह यीशु को बदनाम करते हैं। चाहे आप अपना नाम रॉबर्ट रखें, इमैनुअल रखें, कोई भी नाम रखें, लेकिन अगर आप कलाम के मुताबिक क्रिसमस को नहीं मनाते, आप तजर्बा नहीं करते, आप और चीज़ों में खो जाते हैं, बल्कि बेशुमार लोग शराब पीते हैं और फिर बहुत से लोग हलाक हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, और कई लोग तो चर्च भी नहीं जाते, बाइबल भी नहीं पढ़ते, दुआ भी नहीं करते, सिर्फ उस दिन उन्होंने खाने पीने को ये सब कुछ और यशी करने को क्रिसमस समझा हुआ है। ये सब गुनाह हैं और ये डायरेक्ट गुनाह है, और ये क्रिसमस के टोटल ऑपोजिट है, क्योंकि यीशु मसीह अपने लोगों को गुनाहों से निजात देने के लिए आए, नई पैदाइश देने के लिए आए। और जो बिब्लिकल क्रिसमस है वो ये है कि आप बाइबल के मुताबिक यीशु का तजर्बा करेंगे, और फिर जब आपको निजात मिलेगी, आपके गुनाह माफ़ हो जाएंगे, यीशु का लहू आपको तमाम गुनाहों से पाक कर देगा, और मसीह के आने का मकसद आपकी ज़िंदगी में पूरा हो जाएगा। आपको सिर्फ नई पैदाइश नहीं मिलेगी, रूहानी मौजज़ा नहीं मिलेगा, आपको जिस्मानी भी मौजज़े मिलेंगे। आपकी ज़िंदगी तब्दील होने के साथ आपका पूरा ख़ानदान तब्दील होगा, आपके इर्द गिर्द के लोग परेशान हो जाएंगे कि आप तब्दील हुए, आपको ऐसे वो भी इफेक्ट होंगे, और एक खुशियाँ आएँगी। और पहले आप शराब पीते थे, अब आप जब गीत गाएंगे, खुदा की प्रस्तुति करेंगे, खुदा उनके नाम को जलाल देंगे, उसकी गवाही देंगे, बहुत से गुनाहगार लोग बच जाएंगे, और जब लोग गुनाहगार बचेंगे तो आसमान पर खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी मनाई जाएगी, और आपने एक ऐसी खुशी पैदा कर ली जो आपको भी मिलेगी, क्योंकि वो खुदा की खुशी है और खुदा का मकसद है, और वो खुशी ज़मीन पर ही सिर्फ नहीं होगी, वह आसमान पर भी मनाई जाएगी। इसलिए याद रखे, मैं आपको इस क्रिसमस के मैसेज के वसीला से एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ, और क्रिसमस है ही खुशी। और आज मैं आपको आखिर पे बता देना चाहता हूँ, वी डोंट सेलिब्रेट क्रिसमस डे, वी सेलिब्रेट क्रिसमस। याद रखें कि हम सिर्फ क्रिसमस डे नहीं मनाते, हम अनाइंटेड इबादत, मसाशुदा इबादत हर वक्त मनाते रहते हैं, सारा साल ही मनाते हैं। और अगर क्रिसमस के दिन वाले दिन भी, बड़े दिन वाले दिन भी, जिसे हम उर्दू में कहते हैं क्रिसमस कहते हैं, उस डे बारे में भी हम अनाइंटेड वर्शिप करते हैं, तो हमारी क्रिसमस तो हो जाता है, लेकिन हम क्रिसमस नहीं सिर्फ मनाते। अगर आप सिर्फ क्रिसमस ही मनाते हैं, अनाइंटिंग बड़ी आई है, बड़ा मज़ा आया, गीत बड़े अच्छे गाए हैं, बड़ा ही दुआ अच्छी किया, लेकिन अगर आपने यीशु को नहीं पाया, यीशु से मुलाकात नहीं हुई, और आपने यीशु को सेलिब्रेट नहीं किया, हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिसमस ये है कि आप इस यीशु की पैदाइश को पूरा साल भी मनाएं, और स्पेशल दिनों में भी मनाएं, इसके खिलाफ नहीं हूं मैं, आप मनाएं, आप अच्छे कपड़े पहने, आप घरों को डेकोरेट करें, आप जो मर्जी करें, लेकिन असल बात जो है वो मसीह का दीदार हासिल करें,
सेलिब्रेट जीसस। आपकी जिंदगी में यीशु हो, आपके मुंह पर यीशु यीशु हो, आपकी गवाही में यीशु हो, आपकी बातों में यीशु हो, और आप यीशु के नाम से बदरुए निकाल सकते हैं। और जब लोगों की बदरुए निकलेंगी वो शफा पाएंगे। आप यीशु के नाम से मौजदे कर सकते हैं, आप यीशु के नाम से दूसरे लोगों के लिए बरकत का सबब बन सकते हैं। और जब आप लोगों को जात करवाएंगे, बरकत आएगी, खुदा का मकसद पूरा होगा, तो फिर क्रिसमस जाना वो सही होगा। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ, और मेरी दुआ है कि इस मिशन एशिया को खुदा और ज़्यादा बरकत बख्शे, और इनको और ज़्यादा वसाइल दे, और उनको रूहानी, जिस्मानी, माली हर तरह की बरकतों से मालामाल करे, ताकि ये इस चैनल के वसीला से लाखों लोग नहीं बल्कि करोड़ों लोग जो हैं वो खुदा के पैगाम को सुने, वो उसको कबूल करें, निजात पाएँ, पाकरू पाएँ, खुशियाँ पाएँ, बरकतें पाएँ। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपके लिए दुआ करूँ कि खुदा उन तमाम लोगों को मैं दावा देना चाहता हूँ जिन्होंने आज तक यीशु को निजात दिंदा कबूल नहीं किया, क्योंकि यीशु मसीह फिर आपका निजात दिंदा बनेगा जब आप उससे निजात पाएंगे। यीशु तो निजात लेके आया, उसने निजात का इंतजाम कर दिया, लेकिन जो उसको रिसीव करता उसका भी निजात देने वाला बनता है। आइए, आप जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आप इससे एक शख्स भी तौबा कर ले तो ये सारे पैगाम का मकसद जो पूरा हो जाएगा। इसलिए आइए हम अपने सर को झुकाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ दुआ करें। आप सच्चे दिल से अपने गुनाह से तौबा करें, और आप खुदावन को कहें, खुदावन मुझे तो समझ ही नहीं आई, मैं तो सिर्फ शराब पीने को, या बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को, या बहुत अच्छे अच्छे खाने खाने को, या दोस्तों के साथ ज़रा बड़े मेले या और तरह तरह के प्रोग्राम करने में, या कुछ और एंजॉय करने के लिए जो मैं दुनिया की तरह करता था सेलिब्रेट कर, वो तो लोग ईद को भी मनाते हैं, हमारे गैर मसीह बहन भाई हिंदू मुसलमान सिख बुद्धिस्ट सारे ही सेलिब्रेट करते हैं, कुछ कुछ उनके भी अपने अपने त्यौहार हैं, वो भी वही काम करते हैं जो आप करते हो। और ये सेलिब्रेशन जो है ना, जब तक यीशु नहीं है आपकी सेलिब्रेशन में तो कोई भी नहीं है। आइए अपनी ज़िंदगी यीशु को दे दीजिए, और मुझे खुशी होगी, और मेरा ईमान है कि मेरे साथ खुदा बाप बड़ा खुश होगा, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कि इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। कितनी खुशी की बात है, बेटा बख्श दिया गया है, अब आप ईमान लाएँ कि वही निजात दिंदा है, और आज से तौबा करें और खुदा से कहें, खुदावन आज मैं सचमुच हकीकी तौर पर जानना हूं कि हकीकी क्रिसमस क्या है, इसलिए मैं तेरे स्लीप के पास आता हूं। अगर आप बहन हैं, बेटी हैं, आप लेडी हैं, तो आप कह सकती हैं, मैं तेरी स्लीप के पास आती हूं, मैं अपने गुनाह से तौबा करता हूं, तौबा करती हूं, अपने लहू से मेरे सारे गुनाहों को धो डाल, और मुझे तमाम गुनाहों से भी आज़ाद कर, और इन सारी बीमारियों से भी, और शैतान के कामों से भी, और हर उस चीज़ से जो तेरी मर्जी के खिलाफ है, और आज मेरी मुर्दा रूह को जिंदा कर दे। और आज के बाद खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि मैं तेरी हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरी मर्जी के मुताबिक चलूँगा, और मैं तुझको सेलिब्रेट करूँगा, और मैं गडरियों की तरह, तेरे मुकदसों की तरह तुझे देखना चाहता हूँ, तेरा तजर्बा करना चाहता हूँ, और तेरा गवाह बनना चाहता हूँ। जब आप ये सच्चे दिल से दुआ कर चुके हैं, बाइबल कहती है अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को माफ़ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। खुदावन आज किसी को निजात दे चुका है जिसने सच्चे दिल से तौबा की है, आप खुदा का शुक्र करें कि उसने आपके सारे गुनाह माफ़ कर दिए, आप मुबारक बन गए हैं, और आप भी मुबारक हैं, आप या मुबारक हाली में रहेंगे, और क्रिसमस के मौके पर इस बरकत वाले मैसेज को लोगों तक पहुँचाएंगे तो आप बाइस से बरकत हो जाएंगे, सही मुबारक हो जाएंगे, दूसरों के लिए भी बरकत का सबब बन जाएंगे, और जिस जिसको आप मिलेंगे, जिस जिससे आप बात करेंगे, जिस जिसको आप गवाही देंगे, जिसके सामने आप मसीह के गीत गाएंगे और खुदा के कलाम के आयते पेश करेंगे, उसकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आ जाएंगी, और आप सचमुच उस मुबारक दिन को और मुबारक महीने को, मुबारक हफ्ते को, और मुकदसों के लिए उनका हर दिन बरकत से भरा हुआ होता है, वो हर रोज़ मुबारक हाली में चलते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदा ने आपके गुनाह माफ़ कर दिए। मैं छोटी सी दुआ आपकी बीमारियों के लिए करना चाहता हूँ, क्योंकि यीशु इसलिए आया कि कामल निजात दे, शफा भी देता है, मौजज़े भी करता है। यीशु के नाम में आई कमांड एवरी डिजीज, एवरी सिकनेस, और आई शैतान तूने जो मुख्त लोगों को बांध रखा है, आई कमांड यू यीशु मसीह नसरी के नाम से। खुदा का बेटा इसलिए ज़ाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए, और मैं भी यीशु के नाम में हुक्म देता हूँ कि वह सारे बुरे काम, बुराइयाँ, गुनाह, बदी, शरारत, शैतान की सारी ताकतें यीशु के नाम में इसी वक्त इन घरों को छोड़ दें, इन खानदानों को छोड़ दें, इन जिंदगियों को छोड़ दें,
और यीशु मसीह नासरी के नाम को जलाल मिल जाए। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने हमें फतह से बढ़कर गलबा दे दिया है यीशु नाम के वसीला से, और हम इसको कबूल करते और शुक्रगुजारी के साथ आज अपने आप को तेरे ताबे करते हैं। हाय बाप, ये सब कुछ हम तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांग कर पा लेते हैं, आमीन। आप सबको जिन्होंने यीशु को कबूल कर लिया है, हकीकी क्रिसमस जो बाइबल के मुताबिक है, मुबारक हो। आप भी बरकत पाएं और आपके वसीला से लोग बरकत पाएं। आप मुबारक बनते हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।